24 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका राजपूत। खबर उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से है, जहां रामपुर विधानसभा में बहुजन समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन आयोजन किया गया। सम्मेलन के मुख्य अतिथि पश्चिमी उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड प्रभारी शमसुद्दीन रैन, उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष नरेश गौतम, मेघराज सिंह जैरावरे व भारी संख्या में कार्यकर्ता सम्मिलित हुए। सभी वक्ताओं ने पार्टी पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया कि आने वाले पंचायती व ग्राम प्रधानी के चुनाव को मजबूती के साथ पार्टी समर्पित प्रत्याशियों को जितवा करके 2022 के लिए पार्टी संगठन को मजबूत करें और आने वाले 2022 में विधानसभा के चुनाव में बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने में अब इस मेहनत और संगठन का काम करने का काम करें। प्राइम न्यूज 24 के लिए सहारनपुर ब्यूरो की रिपोर्ट। समाज के भाई बैठे हैं, किसान भाई बैठे हैं, क्या हालात है जो आज भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, भारतीय जनता पार्टी की चल रही है, जुमलेबाजी की सरकार, जुमलेबाजी के नेताओं की सरकार चल रही। आपके बीच में झूठे वादे किए थे, विदेशों में काला घर जन जमा है, आप जीरो बैलेंस के खाते खुलवाओ में 15-15 लाख दूंगा, 2 करोड़ बेरोजगार देने का काम करो, इनकम दुगनी करने का काम। मैं पूछना चाहता हूँ कि 15 लाख तो नहीं है, अगर किसी हो तो बताने का काम करें, किसान की इनकम दुगनी हुई तो बता दें, किसी को रोजगार मिला हो हाथ उठाने का काम कर दें। बल्कि साथियों, बड़ी खेदजनक बात है, इस तप्त सर्दी में बरसात में बर्फ पड़ रही है, लगभग 3 महीने से किसान दिल्ली पर बैठे हैं आपकी मांगों के लिए, आपके किसान को सम्मान देने के लिए। ये बिहार जाते हैं चुनाव लड़ने के लिए, हैदराबाद जाते हैं चुनाव लड़ने के लिए। मैं पूछना चाहता हूं नेताओं से कि 10 मिनट के रास्ते पर 15 किलोमीटर जाकर किसान की बात सुनने वाला नहीं है, इसलिए